ये माँ है उसकी, आप क्या जवाब देंगे? ये माँ है, उसको आपका स्टाफ बेहतर बनाने में लगा हुआ है। ये डॉक्टर कहाँ है? दाढ़ी वाले डॉक्टर कहाँ है? एक आदमी जिसकी जान जा रही है, आप देखो इसको करो, क्यों नहीं? आप लोग जो है मजाक बना रखा आपने एम से। अरे भाई हमने हाथ जोड़ के बोला और क्या करें फिर? आपका बेटा होता क्या करते? आप एक आदमी जिसकी जान जा रही है, आप देखो इसको करो, क्यों नहीं? आप लोग जो है मजाक बना रखा आपने एम से। ये माँ है उसकी, आप क्या जवाब देंगे? ये माँ है, उसको आपका स्टाफ बेहतर बनाने में लगा हुआ है। हर मरीज बराबर है। ये डॉक्टर कहाँ है? दाढ़ी वाले डॉक्टर कहाँ है? इन्होंने अभी मेरे से कहा कि हमने कर दिया एडमिट। वो बोल रही है कि हमने भेज दिया भाई, तुम 7 दिन के लिए घर चले जाओ। ये ऐसा बताइए, कैमरे के सामने बोलिए कि हम भर्ती नहीं करेंगे, 7 दिन बाद आइए। अरे भाई हमने हाथ जोड़ के बोला और क्या करें फिर? हाथ जोड़ के बोला, हाथ जोड़ के बोला और उसके बाद ऐसा कर रहा है। अरे आप एक मरीज को जो तुम्हारी नहीं लड़ाई लड़ रहा है, एक पत्रकार है वो जिसने जान लो, हम लोग आप कह रहे घर जाइए, साथ ही मार आइए। डॉक्टर हम इलाज करते हैं, मरीज की जरूरत। कहाँ डॉक्टर हैं आप? आपका बेटा होता है, आपका बेटा होता है, आपके एग्जाम में एक मिनट, आपका बेटा होता क्या करते? हमने नहीं लिख के देंगे, उनका बिजनेस करने दीजिए। क्या करें, मौका मत दीजिए कुछ भी होने के लिए। हम लोग आप घर भेजने के खिलाफ में, घर भेजो, घर भेजो, घर भेजो, सही भेजो यार। बहुत जरूरी है, प्रदेश में अपराधी जितने हैं, अपराधियों का जो है मनोबल बहुत ऊंचा हो रखा है, कानून और व्यवस्था चौपट हो रखी है। जिस प्रकार से शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पत्रकार को बुरी तरह पीटा गया और वो अपने जीवन का संकट उन पर है उससे संघर्ष कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कल हरिद्वार में खुलेआम दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान लूटी गई, ये अपने आप में ये प्रतीत होता है कि ये सरकार का जो मकसद है, सरकार का मकसद सिर्फ खनन और खनन बाबा के इशारे पर उनके अधिकारियों के अपॉइंटमेंट, उनसे जो उनके हितों की साधना होती है वो सब करना और जनता के हितों को अनदेखा करना। अब यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति माफियाओं के द्वारा पीटा गया और उसको हॉस्पिटल में जबरदस्ती बाहर निकाला जाए, तो ये हम लोग सहन नहीं। जब हमें पता चला कि उसको जबरदस्ती डिस्चार्ज दिया जा रहा है तो सब लोग यहाँ पर आए, और अब बहुत 2-3 बार की हुज्जतबाजी के बाद अब जाकर ये कह रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा एडमिट कर रहे हैं उसको। जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने के बाद, जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, उसको बीच में हटा देना कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इलाज है? तो इस प्रकार से जो ये राजनीति माफिया इस प्रदेश में हावी है, राजनीतिक माफिया, उस राजनीतिक माफियाओं के दबाव में हर तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर सब आए और अब ये कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि एम्स वाले कह रहे हैं कि अब हम दोबारा उसको एडमिट कर रहे हैं, एडमिट कर देंगे तो हम भी यहाँ से हो लेंगे उधर, लेकिन जब तक वो एडमिट नहीं करते वही ये राजनीतिक लोगों के दबाव में है, निश्चित रूप में लोग राजनीतिक लोगों के दबाव में, यहाँ की सरकार के दबाव में। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर ये व्यक्ति एडमिट रहे और ये लोगों को ज्यादा पता चले कि शराब के माफियाओं ने पुलिस के संरक्षण में और इस सरकार के संरक्षण में इस पत्रकार भाई को पीटने का काम किया, तो इसलिए यहाँ से जबरदस्ती उसको डिस्चार्ज दिया जा रहा है। बजल जी अभी ये मान भी रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होना है और फिर भी कह रहे हैं डिस्चार्ज दे दिया, ये क्या बात हुई? पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्या? निश्चित पॉलिटिकल प्रेशर है, स्टेट के नेताओं का पॉलिटिकल प्रेशर है, वित्त मंत्री का प्रेशर है, प्रेमचंद अग्रवाल का प्रेशर है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को तो खुश होना चाहिए था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है जो शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है, उल्टा इसको जो है पिटवा रहे हैं। गोयल जी, पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब चौथा स्तंभ आवाज उठाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको जब इलाज भी नहीं मिल रहा है और ना उसकी सुरक्षा उसको मिल पा रही है, तो फिर क्या सच में इस तरीके से पत्रकारिता जिंदा रहेगी? मेरे दोस्त गणेश गोदियाल का ये कर्तव्य है कि वो पत्रकार भाई हो या कोई आम नागरिक हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम वहाँ खड़े होने की कोशिश करते हैं, और आज इसी रूप में चूंकि वो भी उत्तराखंड का नागरिक है, पत्रकार भी है, एक अच्छे कॉज के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि प्रदेश में
अनधिकृत रूप से शराब बिके, शराब माफियाएं फले फूले, वो नहीं चाहता, वो इस काम में लगा है। और आज उनकी ये हालत देखकर मुझे चिंता हुई, तब हम यहाँ आए। उनके माता पिता ने बताया कि जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है, हम लोग फिर हॉस्पिटल के प्रशासन से लड़े। और इस तरह से हर एक वो व्यक्ति जो उत्तराखंड का नागरिक हो और ऐसी दिक्कत में हो, और अगर हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर हाजिर हो सकते हैं, तो उनके हकों के लिए हम जाते रहेंगे। भाजपा से केवल एक निशान जी मिल रहा है, बाकी भाजपा से कोई भी अभी तक ऐसा उनसे कार्यकर्ता या नेता मिलने नहीं आया, क्या कहेंगे? क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी यही चाह रही थी इस तरीके का? बात ये नहीं है, अगर जिन लोगों में जमीर जिंदा होगा, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी अन्य दल में हो, वो हर एक ऐसी घटनाओं की निंदा करेगा, ऐसी घटनाओं के खिलाफ रहेगा। जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया सरकार के चरणों में, वो लोग सरकार के साथ हो लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये जुल्म भी अगर ये सरकार करती है, तो इस जुल्म का भी मुकाबला किया जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।